एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज बड़ी जबरदस्त, शानदार, यूनिक और एक्सीलेंट मछली बनने वाली है, क्योंकि जैसा मैं बताई सर्दियां शुरू हो गए और इन दिनों में इन्फ्लेमेशन बॉडी का खत्म होने और ब्रेन के बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए मछली बहुत कारामद चीज है। तो ये 1 kg बासा फिश है जिसके मैं फिले कर ली छोटे छोटे पीसेस, और उसके बाद मेरे को इसमें पहले तो इसको फर्स्ट मैरिनेशन करना है अदरक लहसुन नींबू के रस से और नमक से। उसके बाद फिर हम सेकंड मैरिनेशन में हम ये करेंगे कि तकरीबन एक बड़ा बंच में ले रही करी लीव्स का, क्योंकि हम साउथ इंडियंस हैं तो बगैर करी लीव के हमारा खाना बनता नहीं, और 2 बड़े बंच हरे धनिया के ले ली कोथिमीर के, मींस इतने साइज के, और टेस्ट के अकॉर्डिंग से थोड़ा बढ़ के हरी मिर्च जिसको हम बीच में से कट कर लिए क्योंकि हमको इसको डीप फ्राई करना है वरना इसमें बीच में से फट सकती है, और 1 मुट्ठी फुल ले लिया हम लहसुन। ठीक है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, पहले इसको मैरिनेशन करेंगे फिर इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत पुरानी यूनिक और शानदार रेसिपी है, आप देखिए इंजॉय करिए इसको। ये हम 2 नींबू डाल दिए इसमें, डाल के इसका जूस इसके साथ। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और क्योंकि हम नमक जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे उससे 50% डालेंगे, क्योंकि आधा हम इसमें डालेंगे काला नमक। हमेशा याद रखना हम जो टैंगी स्पेशली सर्दियों की रातों में जो हम ड्राई मछली जो एंजॉय करते हैं हैदराबादियाँ, वो टैंगी और टेस्टी रहना जरूरी है। थोड़ा कम करो। तो इसमें आप क्या करिए, काले नमक का इस्तेमाल और हरे मसाले का इस्तेमाल जरूरी रहता है, देखिए, और नींबू का, नींबू के बगैर तो मछली बनती नहीं। अब इसमें डालेंगे हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत डेलिकेट रहती बासा फिश, क्योंकि मरल राइट नाउ बहुत महंगी है, अगर आपके बजट में आती तो बासा बड़ी अच्छी रहती, अगर आप मरल भी ला सकते हैं या पॉम्फ्रेट, जो भी एज यू विश आप, लेकिन बोनलेस ले लिए तो अच्छा रहता। तो अभी आप इसको मिला लेना है अच्छे से, हल्के हाथ से या बिल्कुल स्पून से मिला लेके, क्योंकि बहुत डेलिकेट रहती, 1/2 आवर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब तक मैं ये इसको अच्छे से फ्राई कर लेके पीस लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये तेल हो गया गरम और इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और करी लीव्स और लहसुन और हरी मिर्ची, और मैं इसको हल्का सा फ्राई करके डीप फ्राई निकाल लूंगी। देखिए मैं इसको अच्छा 2 से 3 मिनट तक अच्छा तल ली, अब मैं इसको निकाल दे रही हूँ। अच्छा, अगर किसी को हेल्थ इश्यू है कोलेस्ट्रॉल का या कोई पसंद नहीं करें डीप फ्राई करना, हेल्दी वे में बनाना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के आप सॉटे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा खाली कर रही लीफ तल के रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। कोई भी डिश का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता खाने वालों के टेस्ट के वास्ते भी और आपके सलीके के लिए भी। चलिए देखिए, अब मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम बादशाह फिश मसाला डाल रहा हूँ। आप बोलेंगे इन बादशाह का प्रोमो कर रहे हैं, प्रोमोशन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये बावर्ची से सीखी थी खुद टीनेज में, तो जब उन्होंने ये डालना बोले थे तो जब से वो मेरे को टेस्ट की आदत हो गई बादशाह की। डालो 2 एग व्हाइट्स है, थोड़ा सा उसमें योग गिर गया, लेकिन आपको सिर्फ 2 एग व्हाइट्स डालना है 1 kg फिश में। मेरे को तो मिट दिखता कि मच्छी अंडा मिला के नहीं खाना, अगर आप लोगों को इश्यू है तो मत डालिए। 2 टेबलस्पून उसमें कॉर्नफ्लावर डालिए, भर के, अगर आपको कम दिख रहा तो बाद में कॉर्नफ्लावर और डालना, 2 या 3 से 4 टेबलस्पून लगता है इसमें 1 kg में, डालो। अब हम ये जो हरा मसाला पीसे थे पूरा डाल लेंगे इसमें, पूरा डाल लेंगे। वाकई मज़े की बनती, इतनी डिलीशियस मछली, जो लेना है चॉइस आपकी है, लेकिन मसाले सेम मैं जैसे बता रही हूँ वो डालिए। अगर आपके पास चीज़ है थोड़ा तो वो चीज़ भी डाल दीजिए, अभी राइट नाउ मौसम ख़राब है, मैं निकल के जा नहीं सकती लाने। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा ऊपर से भी डालेंगे अपन बाद में। चलो अब इसको हल्के हाथ से मिला के फ्राई करना है, हल्के हाथ से मिलाएंगे क्योंकि मछली अपनी बड़ी डेलीकेट रहती, उसको अच्छे से मिला लेंगे अपन। अब आप प्लेट को लाइन अप करिए आपके किचन टॉवल या किचन टिश्यू से, ताकि जितना ऑयल रहेगा इसका ड्रेन आउट हो जाना। ये फिश रेडी है, इसको 1/2 आवर रखना, बस इससे बढ़ के नहीं बनना, ये पानी छोड़ देता। ये ऑयल रेडी, आप चाहे तो शेलो फ्राई करिए, चाहे तो बस इतना ज्यादा फ्राई, डीप फ्राई बिल्कुल धड़ाधड़ मत करिए डाल के, वरना अंदर से कच्ची रह जाती है। अब मीडियम फ्लेम पे है, देखिए स्लो आहिस्ता, बिस्मिल्लाह, इसी तरह पूरा रख लीजिए, ओवरलैप मत करिए, बीच में डिस्टेंस रख के
आराम से सुकून से इनको पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, ताकि एक तो इसमें गंदी स्मेल भी नहीं रहना और इन्हें अच्छे से पक भी जाना। आप यकीन करेंगे बेहतरीन ज़बरदस्त साउथ इंडियन करी लीफ की फिश है ये, और ये बारिश का जाती हुई बारिश बड़ी ज़ोरदार है, कल तो रात को अल्लाह का गज़ब देखने का था। सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स इंजॉय करिए इस मच्छी को और अपने अल्लाह को भी राज़ी करने की खुश करिए, राज़ी करने की कोशिश करिए। कैसे राज़ी करेंगे, अपने रिश्तों के हुकूक अदा करिए, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने बहन भाई, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त अहबाब, कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो अपना आपका ख्याल रखना, वो आपको पूछना, वो आपको गिव अवे करना, आप ख़ुद भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और आपके रिस्क में खैर बरकत भी होती। यही बातों से मेरा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन ये मैं अपने आखिरत के अकाउंट की तैयारी कर रही हूँ, अल्लाह कबूल करे। मैं मानती हूँ ये बिलीफ सिस्टम जो हमारे पेरेंट्स का था कि आप जो मौसम में जो अच्छी चीज़ खिलाएंगे बराबर वो बच्चों के जिस्म को, बच्चों के ब्रेन को बराबर काम आता। हमारे साथ भी ऐसी हुआ, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर सीज़न के खाने खाए, पाए खाए, मछली खाए, गोश्त खाए, तरकारी खाए, असली घी गया, तो अब हम भी अब यही इंशाल्लाह अल्लाह हमारे को हिम्मत दे, इस्तेता दे, अपने औलाद को भी करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी जिसका जितना बजट है उसमें आप लोग कोशिश करिए कि अननेसेसरी जंक फूड को छोड़िए, बेकार चीज़ों को छोड़ के हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आप मछली को अपने खानों में ऐड ऑन करिए, आपके बजट में आ जाता। आप एक टाइम एक दिन का गोश्त स्किप करिए और फिश को ले लीजिए। ये ऐसी चीज़ है आपके बुजुर्गों से लेकर घर के बच्चों तक सबको सूट करती। बुजुर्गों को कोशिश करिए कि एक से दो पीसेस दिन के टाइम दीजिए, लेकिन ज़रूर खाइए सब लोग। ये जो सर्दियों में जाड़ों में इन्फ्लेमेशन कम करता, जोड़ों का दर्द ख़त्म करता, आपके आँख, आपके बाल, आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़बरदस्त चीज़ है। स्किन के लिए अच्छा है, ऑल ओवर खूबसूरती के लिए मछली बड़ी काम की चीज़ है। देखिए हम इसको अच्छा मैरिनेट किए तो उन्हें अच्छा फूल रही थी। अपने बच्चे मछली खाने पीछे हटे तो इसमें थोड़ा सा चीज़ मिला लो आप मैरिनेशन में, इसको बार बार मत पलटाइए, बस एक बार एक तरफ हो गई बात फिर दूसरी तरफ पलटा लो आप। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे इसको, 4 मिनट तो लगे आराम से। अब मैं इसको टर्न आउट कर रही हूँ। इतनी मज़े की खुशबू आ रही करी पत्ते की, हरे मसाले की। इसको आहिस्ता एक एक को अपन टर्न आउट करेंगे। ये सब्र से सुकून से बनाने की मछली है, जल्दबाजी की मछली नहीं है। देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया इसका, बस ये कलर पर रहना है ना। सेकेंड दूसरी तरफ थोड़ा देखिए, ओवरलैप नहीं है ये, क्राउडेड नहीं है, आराम से सुकून से हो रहा बेहतरीन खुशबू के साथ। अब इसको दूसरी तरफ 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाता क्योंकि तेल का टेम्परेचर अच्छा आ गया, अपने को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कच्ची रहने नहीं देना। और अंडे की सफ़ेदी की वजह से अच्छी फ्लफी भी हो गई है। यही सेम उसमें आप चिकन भी बना सकते हैं। चिकन को तो आप आराम से हैंड फ्री वो कर सकते हैं, इसको ज़रा हैंडल विथ केयर करना है। ये देखिए मैं इसको दूसरी तरफ पे पलटा दी थी और अब इन्हों आराम से हो गया। अब अपन इसको निकाल लेंगे इस प्लेट में जिसको हम पूरा लाइनअप करके रखे थे, ठीक है। सब्र से सुकून से, अगर आप थोड़ा सा और कलर चाह रहे हैं तो ठीक है, एज यू विश। अच्छा देखिए कोई ऐसा रोल्स और रेगुलेशन नहीं है कि चलो एक बार पलटा फिर दूसरी बार नहीं। अगर आपको अच्छा कबाबों का कलर लाना है, आप एक बार हो गया बाद फिर उसको थोड़ा सा पलटा के कलर लाना चाहें तो आप ऐसा ला ले सकते हो, क्योंकि अब तो इन्हें इसकी कोटिंग अच्छी मजबूत है की, लेकिन इसको जलने नहीं देना है आपको ना। चलिए भी अपन ये कलर पर ला के इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, मेरा वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसके चक्कर में। चलिए हमारा ऑयल इसमें अच्छे से ड्रेन आउट हो गया, अब अपन इसको इसमें अच्छे से प्रेजेंटेबल कर देंगे। मेरा कैमरा बंद था, मैं इसको प्रेजेंटेबल बोल के निकाल भी दी, डिश आउट भी कर दी। सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, ये मैं इसको डिश आउट करी, इसमें ड्रेन आउट हुआ पूरा वो ऑयल इसमें निकाली और हल्का सा इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करी और इसमें करी ली जो अलग तल के रखी थी वो इस पे डाल दी। ये मछली अपने पास अमराइयों में जब जाके बारिशों में बड़ा इंजॉय करके अच्छे तरीके से खाने वाली शानदार मछली है। तो आप लोग भी जब इसको जाती बारिश में आती सर्दियों में खाइए, इंजॉय करिए, बड़ी मज़े की डिश है ये, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।